टू माय कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर 3 गेम प्ले वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था कि जो हमारा ये बेस है, जो न्यू वेयर हाउस है हमारा, इसका जो है हमने बेस तैयार किया था, यहाँ पर ग्रेवल डाला था और भाई इसे पूरा कंपैक्ट भी कर दिया था। और फिलहाल जो पिछली वीडियो में रह गया था वो आज वाली वीडियो में पूरा कर देंगे। तो फिलहाल मैं करता हूँ इनसे बात और फिर आपसे आपको दिखाता हूँ कि अगली वीडियो में क्या होना है। तो अभी फिलहाल मैंने इनसे बात तो कर ली है और अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाइयों जो सामने गैरेज है उसमें से अपना जो फॉर्कलिफ्ट है वो निकालो और यहाँ और फिर आगे बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो पहले निकालते उसमें से फॉर्कलिफ्ट। तो यह हमारी फॉर्कलिफ्ट यहाँ पर आ चुकी है और अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या करना है। उधर की साइड अपनी फॉर्कलिफ्ट को लेकर जाना होगा जहां पर वो एरो हमें दिख रहा है और यहाँ पर जाकर अपनी फॉर्कलिफ्ट को हम यहाँ पर खड़ी कर देंगे। और ये यहाँ पर हमने अपनी फॉर्कलिफ्ट खड़ी कर दी है। अरे भाई ढंग से खड़े हो गया भाई, नहीं हुआ थोड़ा पीछे लगा कर फिर कर देंगे। और ये हमारी फॉर्कलिफ्ट यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या करना। ट्रांसपोर्ट द पैलेट टू द न्यू वेयर हाउस। तो ठीक है भाइयों, पहले तो मुझे वहां से अपना ट्रक हटाना होगा और फिर यहाँ से ये पैलेट उठाकर वहां पर रखनी होगी। तो चलते हैं भाई पहले इधर और अपने ट्रक को लगा देते हैं सामने की तरफ इधर। और ये हमारा ट्रक हमने यहाँ पर लगा दिया है और अभी चलते हैं फिलहाल फॉर्कलिफ्ट में। और ये हम तो भाई ऐसे कर करके हम अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाएंगे और नई नई मशीनें लाएंगे। तो अभी फिलहाल मेरी इनसे बात हो चुकी है भाइयों और अभी हमें ये जो पैलेट हमने यहाँ पर रखी हैं इन्हें वेयर हाउस में पहुंचाना होगा। तो अभी पहुंचा देते हैं। ये लो भाइयों, और भाइयों जो आखिरी पैलेट है वो वहां पर ही रखी हुई है और यहाँ यही की ऐसे उसे पहुंचा देंगे, ये पहुंचा दें। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फॉर्कलिफ्ट को हम वापस से उसमें रखवा देते हैं। और ये लो, तो हमारे यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है और शायद अभी हमारा कुछ काम नहीं बचा हुआ यहाँ। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा काम हमारा बाकी है और फिलहाल अभी हमें अपने ट्रक पर चलना होगा और अभी हमें चलना होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर पर। तो अभी फिलहाल मैं आपको वहीं जाकर मिलता हूँ। मटेरियल सप्लायर पर तो पहुंच चुके हैं और अभी आपकी नज़र मेरे पैसों पर अगर गई हो तो वो और ज़्यादा हो चुके हैं एकदम से। तो जो मेरा अचीवमेंट था जो भी था उससे मुझे 24,000 रुपये और ज़्यादा मिल चुके हैं, तो इसलिए मेरे रुपये 1,09,000 हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल हमें वहां जाना होगा, फिर देखते हैं कि क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने अपने ट्रक को लगा दिया और अभी देखते हैं क्या करना होगा। लॉन्ग प्रेस तो मुझे ठीक है भाई, ये लो भाई। तो ठीक है भाई, मैंने इसके कंट्रोल पहले ही समझ रखे हैं, तो थोड़ा बहुत पहले भी खेल रखा गेम तो ऐसे मुझे समझ में आ रखा है ये गेम। तो ये तो हमारे पास 3 पड़े हुए हैं, अभी 2 ये भी चाहिए होंगे हमें। एक बार भाई ने कपड़े देते परचेज द मटेरियल हाइलाइटेड स्टोर। तो भाइयों हमें डायरेक्टली यहाँ से वेयर हाउस में भेज देने हैं। और ये लो भाइयों, डिलीवर टू वेयर हाउस यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो ये तो भेजने की जरूरत ही नहीं है भाई।
यार जरूरत है, ले भाई भेज दे यार, कर दिया भाई डील पूरी तरह से। तो ठीक है भाइयों, आज वाली वीडियो में इतना ही, और हमें और ज्यादा भी हमें काम मिलने लगेगा। तो देख सकते हो अभी आप, यहाँ पर हमारी बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं। तो अगली वीडियो में भाइयों इन जॉब्स को हम पूरी करेंगे। तो तब तक भाइयों ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जो भाइयों मैं इस गेम की वीडियो डाल रहा हूँ उस पर भाइयों मेरे हिसाब से ठीक ठाक व्यू आ रहे हैं। ठीक है भाई, आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सर भाई अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, ठीक रहना।